हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूज रील। मैं हूं आपके साथ मेघा। पिछले दो सालों पर गौर करें तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वेब सीरीज ने धमाल मचा दिया है। इसकी एक वजह ये है कि डायरेक्टर्स को स्टोरीज के साथ एक्सपेरिमेंट करने की छूट होती है और एक नए कंटेंट ने ऑडियंस को ऑप्शंस दिए हैं। टीवी से अलग यहाँ सास बहू का घिसा पिटा ड्रामा नहीं है और ना ही लंबे लंबे ब्रेक। 2019 में भी पूरे साल वेब सीरीज का ही बोलबाला रहा। तो चलिए इस साल के पॉपुलर वेब सीरीज पर डालते हैं एक नजर। कुछ ही सालों में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वेब सीरीज ने धमाल मचा दिया है। इसकी एक वजह है नया कंटेंट और सास बहू के घिसे पिटे फॉर्मूले से छुटकारा। साल 2019 भी वेब सीरीज के लिए काफी खास रहा। इस साल दर्शकों ने कई शानदार वेब सीरीज का लुत्फ उठाया। अमेज़न और नेटफ्लिक्स पर साल 2019 में कई वेब सीरीज रिलीज हुई जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। साथ ही कई बड़े सितारे भी अपनी एक्टिंग का धमाल मचाते नजर आए। आइए जानते हैं 2019 में कौन कौन सी वेब सीरीज पॉपुलर रही। सेक्रेट गेम्स 2। साल 2019 की सबसे चर्चित वेब सीरीज की बात करें तो वो थी नेटफ्लिक्स की सेक्रेट गेम्स 2। हालांकि पहले सीजन की अपेक्षा दूसरे सीजन को मिली जुली प्रतिक्रिया ही मिली। दूसरा सीजन इस साल 15 अगस्त के मौके पर रिलीज हुआ। वेब सीरीज में नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सैफ अली खान, पंकज त्रिपाठी, रणवीर शौरी, कल्की के क्लास, सुरवीन चावला और जतिन सरना की मुख्य भूमिका है। इसका निर्देशन अनुराग कश्यप और नीरज खेवान ने किया है। मेड इन हेवन। Amazon Prime Video की वेब सीरीज मेड इन हेवन दिल्ली के दो वेडिंग प्लानर्स तारा और करण की कहानी है। वेडिंग के आसपास ताना बाना बुना जाता है। तारा और करण शादी की तैयारियों के साथ साथ आने वाली मुसीबतें सुलझाते हैं। इसमें शोभिता धुलीपाला, अर्जुन माथुर, जिम सरब और कल्की केकला ने मुख्य भूमिका निभाई है। इसका निर्देशन जोया अख्तर, अलंकृता श्रीवास्तव, नित्या मेहरा और प्रशांत नायर ने किया है। दिल्ली क्राइम। इस साल निर्भया केस से प्रेरित ऋषि मेहता के निर्देशन में बनी दिल्ली क्राइम वेब सीरीज भी काफी चर्चित रही। नेटफ्लिक्स की इस वेब सीरीज में शेफाली शाह, राजेश तेलंग और रसिका दुग्गल ने मुख्य भूमिका निभाई है। 7 एपिसोड की वेब सीरीज दर्शकों को बांधे रखने में कामयाब रही है। द फैमिली मैन। जासूसी प्लॉट वाली वेब सीरीज के सीजन में प्राइम वीडियो की सीरीज द फैमिली मैन सब पर भारी पड़ी है। फैमिली मैन अपनी दिलचस्प कहानी, बेहतरीन अदाकारी, जासूसी और पारिवारिक रिश्तों के सामंजस्य, काबिले तारीफ संवाद और ह्यूमर के चलते दर्शकों समीक्षकों की सराहना बटोरने में कामयाब हुई थी। खास तौर पर मनोज वाजपेयी ने श्रीकांत तिवारी के रूप में एक जासूस और पारिवारिक व्यक्ति की जो एक्टिंग की उसने सबका दिल जीत लिया। इनसाइड एज सीजन 2। प्राइम वीडियो की ओरिजिनल वेब सीरीज इनसाइड एज के दूसरे सीजन का इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था। ये सीरीज क्रिकेट के खेल में फैले भ्रष्टाचार को उजागर करती है और उसमें चलने वाले अंदर के खेल को बड़ी बारीकी और सरलता से समझाती है। इनसाइड एज 2 में ऋचा चड्ढा, विवेक ओबेरॉय, आमिर बशीर, तनुज वीरवानी, सिद्धांत चतुर्वेदी और अंगद बेदी की मुख्य भूमिका है। सीरीज को फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी के प्रोडक्शन हाउस एक्सेल एंटरटेनमेंट ने मिलकर बनाया है। कोटा फैक्ट्री। सीरीज की कहानी राजस्थान के शहर कोटा पहुंचने वाले छात्रों के उन मनोभावनाओं को सामने लाने की कोशिश करती है जिससे अक्सर इन छात्रों के अभिभावक भी अनजान रहते हैं। माता पिता की उम्मीदों पर खरा उतरने के मानसिक दबाव में रहते हुए इन छात्रों पर दूसरा दबाव अपने ही साथ के दूसरे छात्रों का भी रहता है। TVF प्ले के इस सीरीज में मयूर मोरे, जितेंद्र कुमार और दीपक सिमवाल की मुख्य भूमिका है। क्रिमिनल जस्टिस। हॉटस्टार की वेब सीरीज क्रिमिनल जस्टिस में विक्रांत मैसी, अनुप्रिया गोयंका, पंकज त्रिपाठी, मीता वशिष्ठ और जैकी श्रॉफ मुख्य किरदार में हैं। इसे तिग्मांशु धूलिया ने निर्देशित किया है। क्रिमिनल जस्टिस कहानी है एक युवा आदित्य की। पढ़ने लिखने में होशियार आदित्य अच्छा खिलाड़ी भी है लेकिन एक हादसा उसकी तकदीर बदल देता है। तदबीर से सब कुछ हासिल करने में लगा आदित्य सीखचों के पीछे चला जाता है और हालात के पीछे आ जाती है कहानी से जुड़े हर किरदार की जिंदगी। बार्ड ऑफ ब्लड।
शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज की पहली वेब सीरीज बार्ड ऑफ ब्लड है। शाहरुख ने खुद उसका प्रमोशन भी किया। शो की काफी चर्चा रही, हालांकि इसे उम्मीद के मुताबिक बहुत अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली। नेटफ्लिक्स के सीरीज में इमरान हाशमी, शोभिता धुलीवाला, कीर्ति कुल्हाड़ी, सहगल, विनीत कुमार सिंह, जयदीप अहलावत, दानिश हुसैन, रजत कपूर है। लैला। नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज लैला ने इस साल लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। दीपा मेहता के डायरेक्शन में बनी ये वेब सीरीज एक ऐसे भविष्य को दर्शाती है जिसे देखकर आपको घिन आने लगेगी। सोचिए कैसा हो अगर आपके भविष्य में आपको पीने के लिए पानी न मिले, या सांस लेने के लिए ताजा और साफ हवा ना हो, या फिर कहीं भी अपनी मर्जी से आने जाने की आजादी ना हो और औरतों को जानवरों की तरह रखा जाए। लैला में प्रदूषण की वजह से उजड़ा हुआ एक भविष्य देखने को मिलता है। टाइपराइटर। सुजॉय घोष नेटफ्लिक्स पर इस साल वेब सीरीज टाइपराइटर लेकर आए। 19 जुलाई को आई इस वेब सीरीज को दर्शकों ने खूब पसंद किया। टाइपराइटर गोवा के बैकड्रॉप में एक हॉन्टेड हाउस स्टोरी है। इसमें बुरी आत्मा को पकड़ने की कहानी दिखाई गई है। लिटिल थिंग्स 3। इस साल नेटफ्लिक्स पर लिटिल थिंग्स 3 भी रिलीज हुई। इसके पहले दो सीजन दर्शकों के बीच काफी पॉपुलर हुए थे। 3 ऐसे पॉइंट हैं जिस जगह आप ये वेब सीरीज देख सकते हैं। इस सीजन में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को दिखाया गया है। साथ ही लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के दौरान होने वाली समस्याओं को कैसे हैंडल किया जाता है, इसको लेकर भी दिखाया गया। रोमांटिक कॉमेडी के फैंस के लिए सीरीज काफी खास है। तो ये थी साल 2019 की वो वेब सीरीज जो इस साल दर्शकों का ध्यान अपनी तरफ खींचने में कामयाब रही। आपको कौन सी वेब सीरीज इस साल बेहद पसंद आई, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।